गरियाबंद के राजीव गोद ग्राम कुल्हाड़ी घाट में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी विनोद तिवारी कंबल देने के बहाने कमाल परिवार का हाल जानने के लिए पहुंचे, जिसके चलते ग्रामीणों में खुशी की लहर छा गई। वहीं ग्रामीणों ने पेयजल बंद सोलर लाइट की समस्याओं की जानकारी उनको दी, जिन्हें विनोद तिवारी ने जल्द ही दूर किए जाने का भरोसा ग्रामीणों को दिलाया। आपको बता दें कि 1985 में राजीव गांधी आपको पत्नी के साथ कमार आदिवासियों के गांव कुल्हाड़ी घाट पहुंचकर कुल्हाड़ी घाट गांव को उन्होंने गोद लिया हुआ था। तब से यहां नेताओं का आना जाना लगातार बना रहा। गांव में हाथियों के उत्पात से टूटी स्कूल, आवास, पेयजल के लिए कुओं में सोलर पंप और अंधेरी गलियों में गलियारों में फिर से उनको रोशनी उनमें बिखेरने की उम्मीद अब ग्रामीणों में एक बार फिर से जाग उठी है। कांग्रेस के विनय तिवारी जी यहाँ आ करके जनता के सामने कंबल उम्बल बांट के और जा रहे हैं, ये खुशी की बात है। कुमार गांव हल्दी में कोई नेता नहीं आए रहे 7 तारीख से, तो विनोद तिवारी कुल्हाड़ी घाट से पैदल भालुडी की पहाड़ चढ़ के कंबल चादर बांट के जाते थे। और बहुत ठंड का मौसम है, हम लोगों को लगा कि इनके लिए कंबल लेकर वहाँ पर जाना चाहिए। हम लोग पैदल चलकर सभी साथियों सहित यहाँ पर पहुँचकर और अपने भाई बहनों को कंबल वितरित किया यहाँ पर, और यहाँ की समस्याओं को जाना कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो जिनसे जिनका हल किया जा सकता है।